जो शंकर की चौखट पर चढ़ जाता, जो एक लोटा जल लेकर शिवालय तक पहुंच जाता है, हाथ में जल होता है। आपने स्मरण करा होगा, जब पंडित जी संकल्प दिलाते हैं तब भी हाथ में क्या देते हैं? जल। हाथ में जब जल रहता है, हम शिवालय की चौखट चढ़ते हैं तो हमारा एक संकल्प हो जाता है कि बाबा हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, मेरी दुख की घड़ी में तुम कुछ संकल्प दिया है, तुमने तुम्हें आना पड़ेगा। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। शंकर का अनुमोदन है, शंकर के शब्द हैं।